अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6। व्हाट आर द कांस्टेंट फोर्सेस ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम पोजिशन और वेलोसिटी। ऐसी फोर्स हैं जो टाइम पोजिशन या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हूँ, तो उसे हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। कंसीडर ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम। देन एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डी वी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी टी। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसका, इंटीग्रेशन डी वी किस के इक्वल हो जाएगा? ए डी टी। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे वी वी नॉट टी जीरो, तो इसका जो इंटीग्रेट होगा वो हो जाएगा वी लिमिट क्या है हमारे पास, वी वी नॉट इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है टी जीरो डी टी। तो वी माइनस वी नॉट अपर माइनस लोअर किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटू टी जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा वी माइनस वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? ए टी के। तो वी क्या है हमारे पास? वी नॉट जमा ए टी इसका अंडर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? 1 है। v किसके इक्वल है? v नॉट प्लस ए टी। तो ये हमने फाइंड आउट किया है एक्सेलरेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी स्क्वायर। तो अब हमने क्या मालूम करना है? दूसरी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन था। अब हम कैसे मालूम करें, फाइंड आउट करें? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? वी डी टी के। तो डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे एक्स एक्स नॉट। तो वी की वैल्यूज हमने भी मालूम किया है, वो क्या है? वी नॉट प्लस ए टी, तो डी टी। इसका भी हम इंटीग्रेट लेंगे लिमिट टी जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स 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 नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? वी नॉट डी टी टी जीरो प्लस प्लस ए टी डी टी टी जीरो। ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा?
डी नॉट इनटू टी प्लस ए इनटू टी स्क्वायर ओवर टू लिमिट टी जीरो, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। हमने जब एक्सेलरेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और वेलोसिटी से हमें ये इक्वेशन हासिल हुई। तो यही वो दो इक्वेशन है इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन मोशन है इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बयान करनी है। डेफिनेशन क्या है, दी फोर्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन टाइम और वेलोसिटी आर कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। तो हमने दो कांस्टेंट फोर्स ली, एक क्या ली हम एक्सेलरेशन और दूसरी क्या ली वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, पहले इसको हमने रीअरेंज किया, डी वी किसके इक्वल है ए डी टी के, तो इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हुई। इसी तरह हमने वेलोसिटी को भी डिफाइन किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। यही वो दो इक्वेशन है।